जैन सर, मेरा नाम है वर्षा खलखो। मैं रातू की रहने वाली हूँ और मैं रांची डिस्ट्रिक्ट की हूँ। मेरा स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रातू। बिरसा मुंडा आर्चरी अकेडमी सिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। हम इससे पहले तो जूनियर नेशनल में गए थे। खेलों झारखंड प्रतियोगिता हर साल कराना चाहिए और हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जैन सर, मेरा नाम अन्ना सिंह है और मैं चंदन क्यारी से आई हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट बोकारो है और मैं यहाँ खेलो झारखंड खेलने आई हूँ। डेली प्रैक्टिस करती थी। मेरा टारगेट था कि हम गोल्ड जीते। खेलो झारखंड खेल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मेरे सर ने हमको बहुत टेक्निक भी हमको बताए थे कि कैसे चलाना है कैसा नहीं। झारखंड गवर्नमेंट प्रोग्राम करते रहे तो और अच्छा होगा और हम अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा जिससे हमें अपने देश के लिए खेलने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, राज्यभर से 58 आर्चर्स आए हुए हैं गर्ल्स बॉयज मिला के। झारखंड राज्य में पहली बार खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं राज्य सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। खेलो झारखंड के माध्यम से प्रखंड से लेकर जिला तक बच्चे का चयन किया गया है। उसके उपरांत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी हिस्सा लिए। झारखंड के लिए खुशी की बात है, यहाँ के प्रतिभाओं खिलाड़ियों के लिए। राज्य में पहली बार खेलो झारखंड का आयोजन किया गया है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी आए हैं और इससे हमारे राज्य के जो छिपी हुई प्रतिभा है इसे निखारने का एक बड़ा अवसर मिल रहा है। इस खेल से निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और आने वाले समय में खेलो झारखंड से ही कई खिलाड़ी देश स्तर में जाएंगे और देश के लिए पदक जीतेंगे। जो आज इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बेहतर प्रदर्शन करें और आप फोकस करें स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं और देश और राज्य के लिए पदक जीत सकते हैं और अपना पहचान बना सकते हैं।